ड्रीम पैलेस। वंस अपॉन अ टाइम किंग कृष्णदेव राय रूल्ड ओवर विजयनगर किंगडम। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का सिंपल सा सेंटेंस बच्चों आपको मैंने माइंड में समझ लेना है। एक समय की बात है, किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय रूल्ड ओवर द विजयनगर किंगडम। वो राज करते थे विजयनगर किंगडम पे। तेनाली रमन वॉज अ कोर्ट जेस्टर। और जो तेनाली रमन थे वो कोर्ट जेस्टर थे, मतलब लोगों को हंसाते थे। स्टोरीज अबाउट तेनाली रमन एंड हिज ट्रिक्स ऑन एवरी वन अराउंड हिम। और जो तेनाली रमन से रिलेटेड जो स्टोरीज होती थी या वो कुछ ऐसा ट्रिक करते थे जो लोगों को आश्चर्य में डाल देते थे। एवरी वन अराउंड हिम, वो इसकी बातें करते थे। इंक्लूडिंग द किंग, किंग भी, आर क्विट वेल नॉन। ये काफ़ी फेमस है और आज भी हम लोग जानते हैं कि तेनालीराम और कृष्णदेव की स्टोरीज काफ़ी फेमस है। इन द प्ले, जो नीचे प्ले शो किया है आपको, कृष्ण किंग कृष्णदेव राय समन्स ऑल हिज मिनिस्टर टू द कोर्ट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो इसमें क्या देखोगे, किंग कृष्णदेव राय ने समन्स किया है, मतलब ऑर्डर पास किया है सारे मिनिस्टर्स को कि कोर्ट में प्रेजेंट हो, कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ हैपन्स नेक्स्ट, वॉट हैपन्स नेक्स्ट। अब पढ़िए कि क्या आगे हुआ। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किंग कृष्णदेव राय, तेनाली रमन, मिनिस्टर। तो किंग का पैलेस है, किंग का दरबार, द किंग्स पैलेस, राजा का महल। कृष्णदेव राय, लास्ट नाइट आई हैड अ मार्वलस ड्रीम। तो कृष्ण देव राय ने क्या कहा, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई हैड अ मार्वलस ड्रीम, मुझे एक शानदार सपना आया। आई ड्रीम्ड ऑफ अ ब्यूटीफुल पैलेस, मैंने एक सुंदर महल का सपना देखा है। इट वॉज मेड अप ऑफ ग्लिटरिंग स्टोन्स एंड फ्लोटेड इन एयर, वो बहुत शानदार चमकदार पत्थरों से बना हुआ था और हवा में तैर रहा था। तो मिनिस्टर वन ने क्या कहा, दैट्स वंडरफुल योर मैजेस्टी। तो ये आपको फोटो भी दिख रखा है, तो उन्होंने सपने में देखा महल, वो आपको दिख ही रहा है। कृष्णदेव राय ने क्या कहा फिर, यस द पैलेस हैड एवरीथिंग, उस पैलेस में सब कुछ था दैट वन कुड एवर विश हो, जो हर कोई चाहता था वैसा वो महल था। इट कुड बी लिट अप विद द थाउजेंड्स लाइट, और उसमें बहुत सारे रोशनियाँ लगी हुई थी, मतलब बल्ब या लाइट हो रखी थी। और मेड टू डिसअपीयर इनटू डार्कनेस इनटू अ सेकेंड, जो फटाफट चुटकियों में पूरी डार्कनेस ख़त्म कर दे। तो मिनिस्टर टू ने क्या कहा, ओ नोबल किंग, ए महान किंग, मे योर ड्रीम केम ट्रू, आपका सपना सच हो। थर्ड मिनिस्टर ने क्या कहा, आर रूलर्स ड्रीम्स आर स्पेक्चुलर एज इज एक्शन, उनका सपना भी बहुत शानदार था जैसे कि उनके एक्शन से, जैसे वो काम करते हैं। तो कृष्णदेव राय ने कहा, आई वोक अप सडनली, मैं अचानक उठ गया, बट आई हैव नॉट फॉरगॉटन द ड्रीम पैलेस, पर मैं उस सपने को नहीं भूला हूँ। आई विल गिव अ 100,000 coins, मैं 100,000 coins दूंगा जो मेरे सपने को ऐसा पैलेस बना देगा। द मिस्टर स्टॉप मिड सेंटेंस, सारे मिस्टर चुप हो गए, देयर माउथ फॉल ओपन, सबके मुंह खुले खुले गए। 100,000 gold coins, 100,000 gold coins मिल जाएंगे। तो मिनिस्टर फर्स्ट ने कहा, नो पैलेस फ्लोट इन एयर, तो उसने क्या कहा, जो साइड से बोलते हो क्या बोला, कि कोई भी महल हवा में नहीं तैर सकता। तो मिनिस्टर टू ने क्या कहा, बट हु हैड करेज टू टेल हिम दैट, पर किससे साहस थी कि वो उनसे कह सके। तो मिनिस्टर फोर ने कहा, थोड़े रुकते हुए हेजिटेडली, योर मैजेस्टी सच अ पैलेस कैन नॉट बी रियल, कि मेरे महान राजा ऐसा पैलेस पॉसिबल नहीं है, इट कैन ओनली एग्जिस्ट इन माइंड, ये तो सिर्फ माइंड में ही पॉसिबल है। कृष्णदेव राय शाउटिंग, वो चिल्लाए, हाउ डे यू अपोज माई विशेज, लीव माई कोर्ट एट वंस, क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को अपोज करने की, मेरे कोर्ट को एकदम से छोड़ दो। मिनिस्टर फोर एग्जिस्ट, चौथा मिनिस्टर चल जाता है। टर्निंग टू अदर मिनिस्टर्स, और दूसरे मिनिस्टर्स की तरफ मुड़ते हुए क्या कहा उन्होंने, माई पैलेस मस्ट बी बिल्ट, आई कमांड यू टू फाइंड मी अ बिल्डर टू क्रिएट द पैलेस, कहा कि मेरा पैलेस बनकर ही रहेगा और मैं सबको आदेश देता हूँ कि ऐसा बिल्डर ढूंढ के लाओ जो ऐसा पैलेस बना दे। ऑफ माई ड्रीम, ऑल ऑफ यू विल बी पनिश्ड इफ यू फेल टू डू, और आप सबको पनिश किया जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। सेकेंड सीन, मतलब एक सीन कंप्लीट हो गया, दूसरा सीन, द किंग पैलेस, किंग का पैलेस है। द मिनिस्टर्स आर वरीड, मिनिस्टर परेशान हो गए। द नेक्स्ट डे दे आस्क तेनाली रमन फॉर हेल्प, और अगले दिन ही उन्होंने तेनाली रमन से हेल्प की डिमांड करी या गुजारिश करी या पूछा। तो मिनिस्टर फर्स्ट ने कहा, यू मस्ट डू समथिंग, आपको कुछ करना चाहिए।
तो मिस्टर टू ने क्या कहा, द किंग विल पनिश अस सेवरली इफ द पैलेस इज नॉट बिल्ट, कि अगर हमने किंग का पैलेस नहीं बना तो किंग हमें बहुत बुरी तरह से पनिश करेंगे। तो मिनिस्टर थर्ड ने क्या कहा, प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद करो तेनाली रमन, ओनली यू कैन मेक आर किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ आप ही राजा को समझा सकते हैं, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड सच ए पैलेस, कि ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है ऐसा महल बनाना। तेनालीरामन ने क्या कहा, आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए टू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के बारे में, डोंट वरी, चिंता मत करो, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, और चिंता मत करो मुझे सोचने दोगी इसमें क्या किया जा सकता है। तो सीन थर्ड होता है किंग का पहले से, और नेक्स्ट डे अगले ही दिन क्या होता है, अ वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति केम टू द किंग्स कोर्ट, राजा के महल आता है, दरबार में आता है। ओल्ड मैन ने कहा, ओ माय ग्रेसियस किंग, ओ मेरे महान राजा, जा आई हैव कम टू यू टू आस्क फॉर जस्टिस, मैं आपके पास न्याय के इच्छा से आया हूँ, आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ, आई एम श्योर दैट योर मैजेस्टी विल हेल्प मी, मुझे पक्का है कि महाराज आप मेरी मदद करेंगे। तो कृष्णदेवराय ने कहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, टेल मी विदाउट फियर, बिना डरे मुझे प्रॉब्लम बताओ, एंड आई शैल सी दैट जस्टिस डन, और मैं देखूंगा कि आपको पूरा पूरा न्याय मिले। ओल्ड मैन ने कहा अनहैप्पीली, दुखी होते हुए, थीव्स हैव लूटेड मी, चोरों ने मुझे लूट लिया, योर मैजेस्टी, ऑल माई सेविंग्स आर गोन, मेरी पूरी जो बचत थी, जमा पूंजी थी, वो चली गई है, आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ ना बचा। तो कृष्णदेवराय ने कहा गुस्से से, एंगरली, हु हैड लूटेड यू, किसने तुम्हें लूटा है, नेम नेम, नाम बताओ, आई विल पनिश देम इमीडिएटली, मैं उन्हें पनिश करूंगा तुरंत प्रभाव से। तो ओल्ड मैन ने कहा, माय जस्ट किंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगा आपको, बट यू मस्ट प्रॉमिस नॉट टू पनिश मी, मैं आपको बताऊंगा पर आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप मुझे पनिश नहीं करोगे, इफ़ माय आंसर अपसेट्स मी, अगर मेरा जवाब आपको दुखी करता है। कृष्णदेवराय ने कहा, यस यस आई प्रॉमिस, मैं पक्का कहता हूँ। तो ओल्ड मैन ने कहा सॉफ्टली, इट्स यू सर, कि सर आप हो, आपने मुझे लूटा है। तो कृष्णदेवराय ने कहा गुस्से से, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ही रिमेंबर हिज प्रॉमिस एंड सिट डाउन अगेन, पर कृष्णदेवराय को वापस अपना प्रॉमिस याद आ गया कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इसको पनिश नहीं करूँगा, और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। लेट मी हियर वॉट यू हैव टू सी, लेट मी, रुको मुझे सुनने दो कि तुम क्या कहना चाहते हो, कंटिन्यू कहो। तो ओल्ड मैन ने कहा, लास्ट नाइट, आखिरी रात, आई ड्रीम दैट यू एंड योर मिनिस्टर्स स्टोल माई एंटायर लाइफ सेविंग, मैंने देखा है आप और आपके सारे मिनिस्टर ने मिलकर मेरा सारा धन चोर लिया है, 5,000 गोल्ड कॉइंस, 5,000 गोल्ड कॉइंस चोर लिए हैं। कृष्णदेवराय लाफिंग, यू आर अ फूल, हाउ कैन यू थिंक योर ड्रीम इज रियल, क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हें लगता है कि सपना सच हो सकता है, हाउ कैन यू थिंक योर ड्रीम इज रियल, कैसे तुम कह सकते हो, कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा सपना सच है, ड्रीम्स आर नॉट ट्रू, सपने सच नहीं होते। ओल्ड मैन स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए, बट दे आर, कि नहीं सपने सच होते हैं, योर मैजेस्टी, इफ योर ड्रीम ऑफ पैलेस हैंगिंग इन द एयर कैन कैम ट्रू, अगर आपका सपना कि महल हवा में तैर सकता है वो सच हो सकता है, तो वाई कांट माई ड्रीम कम ट्रू, तो फिर मेरा सपना क्यों सच नहीं हो सकता। तो कृष्णदेवा एश्वर्ड वो आश्चर्य में पड़ गया, वॉट आर यू सेइंग, हु आर यू, तुम क्या कह रहे हो और तुम कौन हो, उन्हें शक हो गया कि ये, तो द ओल्ड मैन रिमूव हिज बियर्ड, तो ओल्ड मैन ने अपनी दाढ़ी हटाई एंड अपने हेयर, अपने बाल हटाए, एंड स्टैंड्स बिफोर द किंग, किंग के सामने खड़े हो गए, इट इज़ नन अदर देन तेनालीराम, ये कोई और नहीं सकता तेनालीरमन ही। कृष्णदेवराय कन्फ्यूज हो गए, इज दैट यू तेनालीरमन, क्या आप हैं तेनालीरमन, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है। तेनालीराम ने झुकते हुए कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए माई किंग, फॉर ट्रिकलिंग यू, आपको को फंसाने के लिए, बट दिस वॉज द ओनली वे, पर यह एक अकेला ही तरीका था टू शो यू, ताकि मैं आपको बता सकूँ, आई शोड योर विशेज, कि आपकी विश कितनी गलत है। तो कृष्णदेवराय ने हंसते हुए कहा, यू आर राइट, आप सही हैं तेनालीरमन, यू आर रियली वेरी क्लियर, आप बहुत ही ज़्यादा चतुर हैं, थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज, आपने मुझे रियलाइज करा दिया हाउ अनरीजनेबल माई विश वॉज, कि मेरी जो विश है वो काफ़ी अनरीजनेबल है, प्रैक्टिकल नहीं है। Thank you for listening this video. Please like and subscribe it.